Welcome back here. Hope so you all are doing well. तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आप लोगों को आप पाकिस्तान आर्मी को किस तरह से ज्वाइन करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है एंड आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। बेसिक मैं जो बात करूँगी वो मैं आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज यानी कि गर्ल्स किस तरह एज अ नर्स एडमिट हो सकती हैं आर्मी में, तो उस सब के बारे में मैं बात करूँगी। बट अगर बॉयज़ का देखा जाए तो इधर उधर डिफरेंट इंजीनियरिंग का है, आर्मी मेडिकल कैडेट्स का है और उसके अलावा लॉन्ग कोर्सेज होते हैं पीएमए के और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स। तो ये डिफरेंट 4 to 5 जो ये हैं हमारे पास ये बॉयज़ के हैं और एक गर्ल्स का है जो कि है आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज। तो मेरे आप लोग देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 13 अगस्त 2021। और इधर तीन चीज़ें हैं, कोर्स डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम स्लिप। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम की स्लिप निकलवानी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ, और अगर कोर्स की डिटेल्स देखनी है जिस लाइक एलिजिबिलिटी या आप एलिजिबल हैं नहीं है, क्या क्या सारा क्राइटेरिया है वो सब के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ, सबसे पहले एलिजिबिलिटी का बता देती हूँ, तो चले मूव करते हैं। तो जब हम कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारा आ जाएगा। इधर आप डिफरेंट चीज़ें हैं, आप लोग बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा गर्ल्स। तो वैसे मैं आप लोगों को मेन मेन चीज़ें बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन ये देखें 12th of July से लेकर 13th of August तक स्टार्ट है। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं वो उसके लिए वो आपको कह रहे हैं कि आप इस ये जो लिंक है वेबसाइट पर विजिट करते रहें एग्ज़ाम स्लिप के लिए। जो भी एग्ज़ाम के से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी, कोई चेंजिंग आएगी और एग्ज़ाम रोल नंबर स्लिप, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉयज़ के लिए नहीं है क्योंकि ये नर्सिंग है बेसिकली। उसके बाद जेंडर, जेंडर फीमेल है। मार्शल स्टेटस, मार्शल स्टेटस क्या, क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो उसकी उन्होंने रिक्वायरमेंट ये दी हुई है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, विडो यानी कि बेवा, सेपरेटेड होने चाहिए, डाइवोर्स, विदाउट इनकम ब्रांचेस। एंड इनकम ब्रांचेस मीन कि किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जो ऑलरेडी ट्रेंड नर्सेज हैं यानी कि जो ऑलरेडी बन चुकी हैं बट वो जॉब के लिए अप्लाई करें, वो मैरिड या अनमैरिड वो डजेंट मैटर, वो अब उन लोगों के ऊपर है कि वो क्या करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मिनिमम हाइट आपकी 5 feet होनी चाहिए और वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स। अब ये क्या होता है एज पर बॉडी मास इंडेक्स, अगर ये नहीं पता तो आप जस्ट गूगल जाके सिंपल आप ये कैलकुलेट करेंगे ना कि कैलकुलेट माई बॉडी मास इंडेक्स, तो आगे आ जाएगा। फिर वो आपसे आपकी हाइट और आपका वेट पूछेंगे, वो एंटर करने के बाद आपको पता चल जाएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी आपकी हाइट और आपकी एज के मुताबिक आपका इतना ही वेट होना चाहिए, आप अंडर वेट तो नहीं है यानी कि जितना आपका वजन होना चाहिए उससे कम तो नहीं है, कि आप ओवर वेट तो नहीं है, जितना आपका वजन होना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं है। नेशनैलिटी उन्होंने आगे ये नेशनैलिटी का बताया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है बीएससी नर्सिंग के लिए ट्रेंड नर्सेज। जो ट्रेंड नर्सेज हैं जो बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करेंगे, ये देखें जो बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करेंगे उन्हें 4 साल लग जाएंगे। फिर उनकी ये यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट कैंपस के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन जो ट्रेंड नर्सेज हैं, जो लेडी नर्सेज हैं, उनकी 6 हफ्ते उधर उनकी ट्रेनिंग होगी एंड देन उनकी इजीली जॉब लग सकती है ट्रेंड नर्सेज की। और आप और जो अभी आप लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत बड़ा रैंक होता है। उसके अलावा उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप इसको प्रॉपरली अगर आप कर लेते हैं और आप बन जाते हैं तो फिर आप ये देखें ऑन कम्प्लीशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही तो आप लोगों को उसमें रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट यानी कि आप लोग लेफ्टिनेंट भी लग सकते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट, फर्स्ट लेफ्टिनेंट, वो अब आपके ऊपर है, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि अब आप लोग किस कदर मेहनत करें और क्या करें, ठीक है। उसके अलावा बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो वो क्वालिफिकेशन और एज है। एज आपकी वो कह रहे हैं 17 to 25 years होनी चाहिए। और उसके अलावा बीएससी इन नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए तो उन्होंने इधर क्वालिफिकेशन कही हुई है कि आपका मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए जिसमें 60% मार्क्स और एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% से कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं, 50% होंगे तो आप एलिजिबल हैं। और ट्रेंड नर्स एज लेफ्टिनेंट यानी कि जो ऑलरेडी नर्सेज हैं उनके लिए, और अगर डिप्लोमा होल्डर हैं बलोचिस्तान का तो उनके पास डिप्लोमा लाजमी होना चाहिए और उनकी एज का क्राइटेरिया ये है, ठीक है। उसके अलावा नोट अब आप आगे खुद ही पढ़ लीजिएगा कि अब आप वेबसाइट का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब उधर ने एक बात, क्योंकि जैसे कि फिजिकल रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट से पहले ही इधर रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि अगर आपके 50% मार्क्स एफएससी के, आप लोग होप सर्टिफिकेट
होप सर्टिफिकेट क्या होता है कि अब आप अपने प्रिंसिपल से जहाँ आप कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ रहे हैं उनसे आप साइन करवाएंगे इस होप पे कि यस ये बच्चा पास हो जाएगा, 50% मार्क्स इसके आ जाएंगे, उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। और जो ट्रेंड नर्सेज है उनके लिए डिप्लोमा लाजमी होगा। मैं आगे मार्क्स देख लीजिएगा FSC के और डिफरेंट, ठीक है, ये बात खुद ही आगे चेक कर लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करने के लिए आप ये रजिस्ट्रेशन के इधर आएंगे, इधर लिंक पे क्लिक करेंगे एंड आगे सारा स्केड्यूल वगैरह आ जाएगा। फिर अगर स्टिल आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।